ओम शांति। वीसीडी नंबर 3690, मॉर्निंग क्लास डेटेड 24 नवंबर 1968, क्लेरिफिकेशन डेट 2 अगस्त 2021। प्रातः क्लास चल रहा था 24/11/1968। The morning class dated 24th November 1968 was going on. दूसरी पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी परमात्मा, जो ज्ञान का सागर गाया जाता है। The topic we were discussing in the beginning of the middle part of the second page was the supreme soul is praised as the ocean of knowledge. बताया कि परम सुप्रीम को कहा जाता है। It was said the one who is supreme is called Param. परम माने सुप्रीम और आत्मा। Param means supreme and soul. टेली किया किसके साथ सुप्रीमेसी? With whom is his supremacy compared? वैसे सहज समझा जाता है कि परमात्मा। As such, it is easily understood that he is Paramatma. अभी देखो, जानते भी हैं अच्छे से। Now, look, you know it well. पूजा जब करते हैं तब भी परमात्मा ही नमः शिव शिव के ऊपर जाकर कह रहे हैं। When they worship, they say Shiv Paramatmaye Namaha, that is, I bow to Shiva, the Supreme Soul. They go and bow to Shiva. Brahma, Vishnu, Shankar ko koi Paramatma nahi kahenge, ki Paramatmaye Namaha. Brahma, Vishnu and Shankar won't be called Paramatma, Paramatmaye Namaha. नमः माना नमस्ते, वंदना, पूजा। नमः मीन्स नमस्ते, टू प्रे, टू वर्शिप। अभी तुम बच्चों को ये मालूम हुआ कि बरोबर परमात्मा, जिसको परमात्मा कहा जाता है, और फिर उनको बाप भी कहा जाता है। You children have now come to know, certainly the Supreme Soul, who is called Paramatma, and he is also called the Father. क्योंकि उनको ही तो सब कहते हैं ना, रहम करो, हमको छुड़ाओ। It is because everyone says only to him, Show kindness towards us and liberate us. एक तो छोड़ाओ, फिर दूसरा पद दियो। One, liberate us, and two, give us position. वो गाते हैं ना, liberate करो दुखों की दुनिया से, और फिर फ्रूट दियो। They sing, don't they? Liberate us from the world of sorrow and then give us fruit. मेहनत का फल दियो, हमारी इस मेहनत का। Give us the fruit of our efforts. तो फ्रूट दियो कहते हैं ना। So they ask him to give the fruit, don't they? फ्रीशन क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लिबरेट है ना। फ्रीशन, what is called in English?
इट मीन्स टू लिबरेट, इजंट इट? किसी ने कहा फ्रूशन? हाँ, समवन सेड फ्रूशन, यस। तो यानी हमको लिबरेट भी करो और फ्रूट भी दियो। इट मीन्स लिबरेट अस एज वेल एज गिव अस द फ्रूट। तो तुमको लिबरेट भी करते हैं और तुम्हारी भक्ति का वो फल भी देते हैं। सो ही लिबरेट्स यू एज वेल एज गिव्स यू द फ्रूट ऑफ योर भक्ति। तो देखो, फल भक्ति का फल है ज्ञान। सो लुक, द फ्रूट ऑफ भक्ति इज नॉलेज। जिस ज्ञान से ही सदगति होती है। यू अटेन सदगति थ्रू दैट नॉलेज। और सदगति पहले पहले होती है तुम्हारी, जो बाप के सन्मुख बैठ रहे है ना। एंड इट इज यू हु सिट फेस टू फेस विद द फादर अटेन सदगति फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट यू? क्योंकि मेहनत तो पीछे तो सबकी हो ही जाने की है। इट इज बिकॉज लेटर एवरीवन सर्टेनली हैज टू मेक एफर्ट्स। अभी बैठ के विस्तार से समझने की कोई दरकार नहीं रहती है। नाउ देयर इज नो नीड टू सिट एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। नहीं, ये तो बुद्धि कहती है कि बरोबर रावण के राज्य से, क्योंकि आदि मध्य अंत को जानते तो हो ना। नो, द कॉन्शियस सेज सर्टेनली फ्रॉम द किंगडम ऑफ रावण, इट इज बिकॉज यू सर्टेनली नो द बिगिनिंग द मिडिल एंड द एंड, डोंट यू? मध्य में है, क्यों जानना चाहिए मध्य को भी? इट इज इन द मिडिल, वाई शुड यू नो इवन द मिडिल? क्योंकि सृष्टि के मध्य काल से ही रावण राज्य वहां से शुरू होता है। इट इज बिकॉज द किंगडम ऑफ रावण बिगिन्स फ्रॉम द वेरी मिडिल ऑफ द वर्ल्ड। गिरने के लिए शुरू होता है, तो बाप ने बताया कि थोड़ी 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 घटाई होती जाती है। इट बिगिन्स फॉर डिग्रेडेशन, सो द फादर हैज सेड द सेलेस्टियल डिग्रीज रिड्यूस ग्रेजुअली। और संपूर्ण तो चंद्रमा ही होता है। एंड इट इज ओनली द मून दैट इज कंप्लीट। कोई सितारों को थोड़ी कहेंगे कि संपूर्ण 16 कला। द स्टार सर्टेनली वोंट बी कॉल्ड कंप्लीट विद 16 सेलेस्टियल डिग्रीज। और अब देखो संपूर्ण में साइज कितनी होती है। नाउ लुक, व्हाट इज द साइज ऑफ द कंप्लीट मून? तो बरोबर वहां सतयुग में भी तो रोशनी जास्ती होती है। So suddenly there is a lot of light there in the golden age. आत्मा में जास्ती रोशनी होती है। There is a lot of light in the soul. और फिर जितनी जास्ती रोशनी होती है उतना फिर सुख भी मिलता है। The more it has light, it receives happiness to that extent. कलाएं जास्ती तो सुख जास्ती। There are more celestial degrees, so there is more happiness there. तो बच्चे भी जब ही कहते हैं कि कोई भाई कहां तुम्हारा शरीर का बाप गया? So children also ask, where did the father of your body go? तो कहेंगे स्वर्ग में, सत्युग में। They will say he went to heaven, to the golden age.
ऐसे नहीं कोई कहेंगे कि त्रेता में गया कि राम राज्य में गया। नो वन विल से ही वेंट टू द सिल्वर एज टू द किंगडम ऑफ राम। ऐसे कभी कहेंगे ना? विल एनी वन एवर से दिस? नो, सभी कहते हैं स्वर्ग में गए। Everyone says he went to heaven. क्योंकि नाम भी उनका ही है। It is because they have also given the same name. देखो वो लोग भी ऐसे ही पैराडाइज कह देते हैं। Look, they also call it paradise. हेवन कहा जाता है पैराडाइज को। Paradise is called heaven. तो हेवन पैराडाइज वैकुंठ वगैरह ये सभी सत्युग को कहा जाता है। सत्य का युग है। सो द गोल्डन एज इज कॉल्ड हेवन पैराडाइज वैकुंठ एक्सेट्रा। इट इज द एज ऑफ ट्रूथ। तो सत्युग जब है तो तुमको देखो त्रेता में जाने की दिल ही नहीं होती है। When there is the golden age, you don't wish to go to the silver age at all. तो तुम तो जानते हो कि बुतड़वा ये तो 1/4 पुरानी हो जाएगी। You know that 1/4 part of the cycle will become old. दुनिया सारी व घर बेहद का घर है ना बच्चे। दिस एंटायर वर्ल्ड इज अ हाउस। इट इज एन अनलिमिटेड हाउस, इजंट इट चिल्ड्रन? तो बुद्धि में आता है बच्चों को कि बाबा बेहद का घर स्थापन कराई रही है। सो इट कम्स इन द इंटेलेक्ट ऑफ द चिल्ड्रन, बाबा इज हैविंग द अनलिमिटेड हाउस बिल्ट। कि बाबा करण करावनहार है ना। इट इज बिकॉज बाबा इज करण करावनहार, इजंट ही? करता भी है और कराता भी है। ही हिमसेल्फ डज द टास्क एज वेल एज मेक्स अदर्स डू इट। तो बाबा करके हम बच्चों द्वारा स्वर्ग की हेवन की स्थापना करा रहे। सो बाबा हैज कम एंड ही इज एनेबलिंग अस टू एस्टैब्लिश स्वर्ग हेवन। ऐसे तो नहीं कहा जाता है कि त्रेता की स्थापना कराई गई है। नहीं, इट इजंट सेड दैट ही इज हैविंग द सिल्वर एज एस्टैब्लिश्ड। नो, शुभ बोलना चाहिए। You should speak auspicious words. 100% so bolna chahiye. You should speak 100% auspicious words. Tabhi ye sab kehte hain ki ye swarg hai, swarg hai, swarg hai. Only then all of them say it is heaven, heaven, heaven. तो ये त्रेता को क्यों दूसरा नाम नहीं है? Why isn't another name given to the Silver Age? तो फिर मिला ही देते हैं त्रेता को भी स्वर्ग। So they merge even the Silver Age in heaven. जैसे सत्युग त्रेता को मिलाए देते हैं तैसे देखो शिव शंकर को मिलाए देते हैं। जस्ट लाइक दे कंबाइन द गोल्डन एंड द सिल्वर एज, सिमिलरली लुक दे कंबाइन शिवा एंड शंकर। देखो उनको मिलाए दिया। लुक दे हैव कंबाइंड देम। बाकी शंकर का कोई पार्ट तो नहीं है। एज फॉर द रेस्ट देयर इजंट एनी पार्ट ऑफ शंकर। तो ये भी ऐसे ही कर दिया है।
सो दे हैव डन द सेम विद दिस एज वेल। ये जो स्वर्ग है और त्रेता है उन दोनों को मिला दिए। दे हैव कंबाइंड बोथ हेवन एंड द सिल्वर एज। अभी जिसको ही मिला है करके स्वर्ग कहते हैं। नाउ बोथ द एजेस टूगेदर आर कॉल्ड हेवन। तो बच्चों को तो किसको भी इन सब बातों का मालूम नहीं रहता है। सो चिल्ड्रन नो वन नोज अबाउट ऑल दीज थिंग्स एट ऑल। 24/11/1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज, थर्ड पेज ऑफ द मॉर्निंग क्लास डेटेड 24 नवंबर 1968। तो बेहद का बाप बैठ करके अच्छी तरह से समझाते हैं। द अनलिमिटेड फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स नाइसली। और जब समझाते हैं तो सब कोई दिल पसंद करते हैं कि नए घर में जा रहे। When he explains, everyone wishes to go to the new house. क्योंकि वो तो फिर जैसे कि पुराना घर होता जाता है ना। It is because it keeps turning into an old house gradually, doesn't it? जब देवी देवताएं आते हैं तो पुराना घर कहेंगे। When the deities come, that will be called the old house. नया घर नहीं कहेंगे उसको। That won't be called the new house. तो क्यों पुराने घर में आते हैं? So, why do they come in the old house? है? त्रेता को सतयुग के मुकाबले थोड़ा पुराना कहेंगे कि नया कहेंगे? Will the silver age be said to be a little old or new when compared to the golden age? त्रेता को है पुराने ही कहेंगे ना। The silver age, student replies. It will certainly be called old, won't it? Yes. तो क्यों पुराना? सो तुम सरकमस्टान से जानते हो। You know the circumstances why it is old. कि जो भी सतयुग में आते हैं वो क्यों त्रेता में पुराने घर में आते हैं? Why do all those who come in the golden age descend to the silver age, the old house? अरे अच्छी तरह से न पढ़ने से फिर देरी से आते हैं। अरे They come late because of not studying well. हाँ, कोई त्रेता में पहले आते हैं, कोई बीच में आते हैं, कोई बाद में आते हैं, नंबर वार है। Yes, some descend in the beginning of the silver age, some descend in the middle, and some descend in the end. They are number wise. तो वो जो स्वर्ग की महिमा गाई जाती है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सो हेवन इज ग्लोरिफाइड एज द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वो तो स्वर्ग ही है ना। इट इज हेवन अलोन, इजंट इट? त्रेता को तो नहीं कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। द सिल्वर एज सर्टेनली वोंट बी कॉल्ड द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। राम राज्य को नहीं कहेंगे ना। द किंगडम ऑफ राम वोंट बी कॉल्ड दैट, विल इट? नई दुनिया को कहेंगे। द न्यू वर्ल्ड विल बी कॉल्ड दैट। इसलिए क्यों बाप समझाते हैं? दिस इज वाई, वाई डज द फादर एक्सप्लेन? इसीलिए समझाते हैं कि भाई पुरुषार्थ करो। He explains so that you make purushartha. है ना? It is correct, isn't it? देह के अर्थ ना करो। Don't do anything for the sake of the body.
कि जो भी फेल होते रहते हो ना, तो याद की यात्रा में फेल होते हो। यू कीप फेलिंग डोंट यू, यू फेल ओनली इन द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस। आत्म की स्थिति में नहीं रहते हो तो फेल होते हो। यू फेल व्हेन यू आर इन स्टेबलाइज्ड इन द सोल कॉन्शियस स्टेज। कहेंगे कि देही अभिमानी नहीं बने। इट विल बी सेड दैट यू हैवंट बिकम सोल कॉन्शियस। देह अभिमानी है। यू आर बॉडी कॉन्शियस। ज्ञान भी अच्छा है। यू हैव गुड नॉलेज। तो उसका नतीजा क्या मिलेगा, क्या नतीजा निकलेगा? सो वॉट विल यू गेट एज इट्स रिजल्ट, वॉट विल बी इट्स रिजल्ट? ज्ञान अच्छा है परंतु देह अभिमानी है तो ऊंच पद नहीं मिल सकेगा। इफ यू आर गुड एट नॉलेज बट हैव बॉडी कॉन्शियसनेस, यू वॉन्ट अटेन अ हाई पोजिशन। और नहीं मिल सकेंगे। यू वॉन्ट बी एबल टू अटेन इट। मुख से तो कहते हैं बाबा, हमारे को बाबा याद नहीं पड़ता। यू डू से थ्रू द माउथ बाबा, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर बाबा। अब बाबा याद नहीं पड़ता है तो भला किसको याद करती है? बाबा सेज इफ यू आरंट एबल टू रिमेम्बर बाबा, हु डू यू रिमेम्बर? तो वही फिर चले जाएंगे बाकी त्रेता में। देन यू विल गो टू द सिल्वर एज। और फिर बाकी तो ढेर है जो त्रेता के बाद आते रहते हैं। एज फॉर द रेस्ट देर आर मेनी हु कीप डिसेंडिंग आफ्टर द सिल्वर एज। जिसको कचरा कहा जाता है। किस बात का? कचरे को तो जलाया जाता है ना, जलाने का कचरा। दे आर कॉल्ड गार्बेज। ऑफ वॉट? गार्बेज इज बर्न्ट, इजंट इट? इट इज गार्बेज मेंट टू बी बर्न्ट। तो ये देखो, देखो तो एक हीप से ये ढेरियां होती है ना। So look, there are heaps of garbage, aren't there? ढेरियां इकट्ठा करके होली पर उनको आग लगानी होती है। Those heaps are gathered and burnt during Holi. तो ये कचरे को आग लगेगी ना बच्ची। So this garbage will be burnt, won't it daughter? तो सो भी ये कितना हीप है, हीप। स्टिल देर इज अ वेरी बिग हीप ऑफ गार्बेज। तो देखो बेहद का हीप। सो लुक इट इज एन अनलिमिटेड हीप। क्योंकि बाबा ने समझाया है ना, ये हीप ये कचरा स्वाहा हो जाते हैं। It is because Baba has explained, hasn't he? This heap, this garbage is burnt. तो कोई ये अग्नि वग्नि नहीं आती है। So there is no fire here. नहीं। No. ये सारा इस समय में सृष्टि पर यज्ञ रचा हुआ है। Yajna has been organized in the entire world now. Rudra Gyan Yajna hai. It is the Rudra Gyan Yajna. Parantu koi sachi par to nahi kar sakte hai na. But he can't organize it in this world, can he? जरूर एक जगह में कोई रहने वाला होगा। He will certainly be the resident of a place.
ऐसे तो नहीं, विलायत के देश देशांतर का होगा। इट इजंट दैट ही विल बी द रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज। तो देखो ये यज्ञ भी भारत में रचा जाता है। सो लुक दिस यज्ञ इज ऑर्गेनाइज इन भारत। और ये रुद्र ज्ञान यज्ञ बहुत ही मशहूर है। एंड दिस रुद्र ज्ञान यज्ञ इज वेरी फेमस। गीता का ज्ञान यज्ञ कहो, यू मे कॉल इट द गीता ज्ञान यज्ञ। तो ये किसको मालूम नहीं हो सकता है कि कहां ये यज्ञ रचा हुआ था। सो नो वन कैन कम टू नो वेयर वॉज दिस यज्ञ क्रिएटेड। भक्ति मार्ग में कोई पता पड़ता है क्या? डज एनी वन कम टू नो ऑफ इट इन द पाथ ऑफ भक्ति? जरूर कुछ निशानी उनकी चाहिए। सर्टनली सम साइन ऑफ इट इज रिक्वायर्ड। यज्ञ की भी तो कोई निशानी तो चाहिए ना, निशानियां बनती हैं ना। सम साइन ऑफ द यज्ञ इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इजंट इट? द साइंस आर मेड aren't they? तो इनकी भी ये निशानी है फलानी समय में। सो इट्स साइन इज दैट इट वॉज ऑर्गेनाइज एट दिस पर्टिकुलर टाइम। अभी तुमको ये निशानी अच्छी तरह से याद है। नाउ यू रिमेम्बर दैट साइन नाइसली। कि फलाने समय में इनका राज्य था और फलाने समय में रामचंद्र का राज्य था। देर वॉज हिज किंगडम एट दिस पर्टिकुलर टाइम एंड देर वॉज द किंगडम ऑफ रामचंद्र एट दिस पर्टिकुलर टाइम। और फिर फलाने समय में रावण का राज्य शुरू हुआ। एंड द किंगडम ऑफ रावण स्टार्टेड एट दिस पर्टिकुलर टाइम। रावण का राज्य शुरू हुआ तो अंधेरा शुरू हुआ, अज्ञान का अंधेरा। डार्कनेस द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस स्टार्टेड अलोंग विद द किंगडम ऑफ रावण। फिर तो वाम मार्ग में चले गई। Then you started following the left path. उल्टे रास्ते में चली गई। You started following the wrong path. तो ये निशानियां तुम बच्चों को अभी मालूम है ना? Your children know these signs now, don't you? आगे तो नहीं मालूम था। You certainly didn't know them earlier. तुम लोग बिल्कुल ही कुछ भी नहीं जानते थे। यू पीपल डिंट नो एनीथिंग एट ऑल। और ऐसे भी मंदिर का देखा। यू हैव ऑल्सो सीन सच टेम्पल्स। कोई भी मूर्ति को देखा और मूर्ति हाथ में लेंगे ना। When you see an idol, you will certainly take it in your hands, won't you? दो चार पैसे में जा करके मूर्ति ये दीप माला पर लेते हैं ना, बहुत बहुत लेते हैं और बहुत बनाते हैं। They go and buy an idol for 2 to 4 paisa during deep mala, don't they? They buy many idols. And they make many of them. Deep Mala, that is the festival of lights. अभी लेते तो बाजार से हैं। They certainly buy them from the market. और वो मूर्तिकार बनाते हैं। And those sculptors make them. घर में आकर के कितनी पूजा करते हैं देखो। Look, they worship them so much after bringing them home. तुम जानते हो कि चिट्ठियां भी आती हैं कि भाई यहाँ आसाम की तरफ कटक की तरफ कारीगर होते हैं। You know that letters come, brother,
There are sculptors near Assam and Cuttack. वही चित्र बड़े अच्छे बनाते हैं। They make those very pictures very nicely. आते हैं ना समाचार? Such news comes, doesn't it? तो जानते हो ये किसके लिए बनाए जाते हैं? So you know, for whom are they made? कि देखो नवरात्रि होती है, कितनी उनकी पूजा होती है। वो बनाते हैं मिट्टी से, अच्छी अच्छी बनाते हैं। लुक, दे आर वर्शिप सो मच ड्यूरिंग नवरात्रि. Navratri, a festival of worship of Hindu devis, celebrated for 9 days. They make very nice idols of mud. बनाते हैं फिर पूजा कितनी होती है उनमें? They make them and worship them so much. और कितनी भावना बैठती है? They have so much of faith on them. बच्चे रोते हैं बैठ करके, जब समुद्र में ले जाते हैं तो नदियों में डुबोने के लिए, तो पक्का रोते हैं। Children sit and cry when they are taken to be immersed in oceans and rivers. They certainly cry then. तो अभी तुम क्या कहेंगे? So, now, what will you say? वो समुद्र जड़ पानी का है, यह चैतन्य है। Is it the ocean of physical water or is it living? है? कोई चैतन्य मनुष्य आत्मा है ना? It is some living human soul, isn't it? अब तुम समझ जा रहेंगे तो तुम तो हंसी करेंगे। Now you understand it, so you laugh. कि वो भक्त लोग तो है जड़ मूर्तियां मिट्टी की बनाते हैं और उनको जड़ सागर में जाकर के डुबोते हैं। Those devotees make non-living idols of mud and they go and drown them in the physical ocean. बोलेंगे ये तो देखो ये गुड्डी गुड़ियों की पूजा करके, गुड्डी गुड़ियों को बनाए करके और इतना पूजा वगैरह कर करके इनको फिर समुद्र में डुबो देते हैं। यू विल से जस्ट लुक एट इट, दे मेक डॉल्स वर्शिप देम सो मच एंड देन immerse them in the ocean. अब समुद्र में डुबो दिया तो इतना खर्चा सब बर्बाद गया। Now, when they immerse them in the ocean, all their money is wasted. पूजा भी की, दक्षिणा भी दी, कितना माल दिया। They worship them, gave dakshina, and offered so many things. Dakshina, the sum or the price in return of a religious service a Brahmin renders. कोई कोई बड़े आदमी होते हैं ना, भावान। There are some big wealthy people, aren't there? तो वो तो बहुत कुछ देते हैं बनाने वाले को, ब्राह्मणों को भी देते। So, they give a lot to the sculptors as well as the Brahmins. बोलो
बाकी अभी तुम बच्चे समझ गए। As for the rest, you children have understood now. तो ये सभी ऑक्यूपेशन जानते नहीं हैं। So all of them don't know the occupation. नहीं जानते हैं तो फिर बच्चों के माफे गुड्डे गुड़ियों की पूजा हुई ना। When they don't know it, it is the worship of dolls like what children do, isn't it? Om Shanti. Om Shanti.